हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स की। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे। ज़रा ये तीन इन्फ्लुएंसर्स देखें। आपने जिनका पिक्स देखा उनका नाम है इमाग्राम, फोटोग्राम और लिल मकीला। वट इफ मैं आपको बोलूं, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये रियल इंसान है ही नहीं, ये कंप्यूटर जनरेटेड CGI हैं और डिजिटल मॉडल हैं। जस्ट लाइक एनी अदर इन्फ्लुएंसर्स, इनके भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इनको इनके डेवलपर्स ने हाइपर रियलिज्म के ऊपर इनको बनाया है। दे मेड देम स्टडी हाउ एन इन्फ्लुएंसर वर्क एंड वो बोलता कैसे है, प्रोनाउंस कैसे करता है, देयर केडेंस एंड देयर हाव इमोशंस। अक्सर हम देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रियल है या फेक है। लिल मकीला का तो यूट्यूब चैनल भी है, शी इज़ अ सिंगर। ज़रा सोचें, इंस्टाग्राम मॉडल को तो अब टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है। आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी हमें टेक ओवर करने वाली है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आउटडेट होने वाली हैं एंड बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगी। या म्यूज़िक की सबसे बेस्ट बात पता क्या लगती है मुझे, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड म्यूज़िक। तो आज के सॉन्ग्स कुछ ऐसे ही हैं। जो पहला सॉन्ग है, इट्स अ तमिल डिवोशनल सॉन्ग, सॉन्ग नेम इज़ नडुवन बाय डॉक्टर बर्न। इसका म्यूज़िक इतना पावरफुल है, ये म्यूज़िक वीडियो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूज़िक वीडियो है। ये सॉन्ग मैं अपने जब चेन्नई नेशनल्स खेलने गया था वहाँ के एक मॉल में सुना। सो आई वेंट टू द मैनेजर एंड उनसे पूछा कि सॉन्ग का प्लीज़ नाम बताओ, एंड इट्स बिन लाइक 6 ईयर्स और आज भी मैं ये सॉन्ग सुनता हूँ। मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है, स्पेशली द एंडिंग। प्लीज़ हैव अ लुक। नेक्स्ट सॉन्ग का नाम है गुरु पदुका स्टॉटम। ये ऐसा म्यूज़िक है जो आपको अंदर से काम कर देगा एकदम, एंड ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। यार आपको पता है चांद पर लैंड करने वाला सेकंड इंसान कौन था? ही वॉज बज एल्ड्रिन। मैंने ना उनका फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है, तो एक दिन ऐसी स्क्रॉल करते हुए मुझे एक उनका पोस्ट दिखा जहाँ पर ही वेलकम्ड हिज ग्रेट ग्रैंड डॉटर। फिर मैंने सोचा यार चांद पर जाने वाले कितने लोग चांद की सरफेस पर पहुँचे होंगे, एंड मैंने सर्च किया और देखा सिर्फ 12 ऐसे लोग हैं जो चांद पर गए हुए हैं, जिनमें से आज के टाइम सिर्फ 4 लोग अलाइव हैं। यार सोचो उनके पास कितने किस्से होंगे ना अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाने को। जब वो अपने फाइनल मोमेंट्स में होंगे तो क्या फ्लैशबैक्स आते होंगे ना उनको मून पर लैंड होने के एंड वहाँ से अर्थ का नज़ारा। इज़न दैट अमेजिंग।